नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कबीर सिंह के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं भारत के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म में सलमान खान, तब्बू, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर और कैटरीना कैफ नजर आए हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। इस फिल्म को इंडिया में 4,700 स्क्रीन्स और ओवरसीज में 1,300 स्क्रीन से भी ज्यादा के साथ रिलीज किया गया था, यानी इस फिल्म को टोटल 6,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स के साथ 5 जून को रिलीज किया गया था। भारत ने अपने पहले दिन में शानदार 42,30,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने लंबे वीकेंड में 150 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 167,60,00,000 का कलेक्शन किया था तो वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन में 6,25,00,000 का कलेक्शन किया है तो अपने 9वें दिन में 5,80,00,000 का कलेक्शन किया है। इस फिल्म की रफ्तार धीरे धीरे कम होते जा रही है, ऐसे में ये फिल्म उरी के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी। भारत का लाइफ टाइम कलेक्शन 225 से 230 करोड़ तक के बीच में रह सकता है। वहीं बात करें इस फिल्म के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ठीक ठाक रही है और एडवांस बुकिंग भी एवरेज रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ रहा है वो है 5,35,00,000 का, यानी ये फिल्म अपने 10वें दिन में 5,35,00,000 का कलेक्शन करने वाली है और इसी के साथ इस फिल्म के 10 दिनों का टोटल कलेक्शन 185 करोड़ हो चुका है और इसी के साथ भारत को हीट का टैग मिल चुका है। दोस्तों अब जानते हैं कबीर सिंह के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि ये फिल्म अपने पहले दिन में कितना कलेक्शन कर सकती है। इस फिल्म में शाहिद कपूर, कायरा अडवाणी, सुरेश ओबराय और निकिता दत्त नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संदीप वांगा ने और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी है और ये फिल्म रिलीज हो रही है 21 जून को। कबीर सिंह तेलुगु की ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक है, इसलिए इस फिल्म का बज काफी अच्छा बना हुआ है जिसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म शाहिद कपूर की पहली सोलो 100 करोड़ फिल्म बनेगी। वहीं बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 50 करोड़ बताया जा रहा है और फिल्म को हिट होने के लिए 90 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा। वहीं बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को टोटल 3,200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया जा सकता है। अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पहले दिन में 13 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने पहले दिन में कितना कलेक्शन करेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।